बट गाइस बिलीव नहीं हो रहा है मुझे, मैं यहाँ पे कैसे वॉक कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। चाइल्ड फॉर ये एंड ही डाइड। तो HIV, डायरिया, मलेरिया, अभी रिसेंट में मैंने खुद कल ही अपना मलेरिया का टेस्ट कराया। सबसे इंटेंस एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल है इस, सोच रहा हूँ कि कैसे यार वो सर्वाइव कर पा रहे थे। So where we are going now, bro? We are going in Essos neighborhood, all the slum area. इस टैक्सी में आप देखिए आगे वाली सीट पे ये लोग दो लोगों को बैठाते हैं, यानी जो एक लोगों की सीट है वो कैमरून में दो लोगों की सीट को इन्होंने बना दिया। मामा बैठी हैं, मामा के बाजू में एक सर बैठे हैं और सर के बैठे में ड्राइवर, और वहीं पीछे की सीट पे भी तीन लोग। पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे रिपेयर होती हैं क्योंकि पूरा का पूरा ये एरिया ऑटो पार्ट्स एरिया है, यानी कार वगैरह आपको ठीक करानी है पुरानी गाड़ियाँ सब यहाँ ठीक हो जाएंगी। लाइक रिपेयर दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई, नो हाँ हाँ ओके। अब या सो गाइज आप ये देखो, ये पूरा का पूरा एरिया कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है यार, मतलब गंदगी पूरे कैमरून में। अभी तक जहाँ भी मैं ट्रैवल किया हूँ हर जगह आप देखोगे कि साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका सीवेज सिस्टम कोई अच्छा नहीं है, और गटर टॉयलेट नाली ये सब की भी कोई सुविधा नहीं है। अब आप ये देखिए, ये गटर का पानी ऐसे नाला का बहता हुआ, और ये एक लोकल तरीके से ये लकड़ी का टूटा फूटा ब्रिज बनाया गया है, और अब सोचिए इसकी मरम्मत भी कोई नहीं करने वाला है यहाँ पे। देर इज़ नो एनी प्लेस और सिस्टम वेयर यू फिल्टर दिस काइंड ऑफ वाटर, नो नो नथिंग। We have some barrages, but it's too far. It's at Kribi or Douala places. Oh, okay. No, not in Kam, not in Yaoundé. So what do you think? Some people use this water also? No. To wash or something? No. Maybe if there is a place that water accumulated. Okay. Yes. So there they can use for. They can use for wash their clothes. Okay. This, and okay. But I remember that. One day a child fell here and he died here. Yes. This area. Yes. Because I can see here no such place where protection you can find. Yes. It's all about it's a natural and there is no any reparation for this kind of bridge also. It's made by yourself, you guys locally. Yes. A child fell there and he died. पहला नेबरहुड आपने देखा था, उस नेबरहुड से हम दूसरे नेबरहुड में आए हैं। अब यहाँ पे कैसा इनका लाइफ स्टाइल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। घर आप देखिए, मोस्टली अब ये देखिए ईट है, ब्रिक्स यानी पत्थर का, और टीन ऊपर डाला हुआ है, लाइट का सिस्टम अपने इंडिया में जैसे नहीं होता यार, तार ऊपर से जाता है और फिर, और ये अब कंडीशन देखिए, ये अब ये घर का दरवाज़ा है, यानी ये जो घर है यहाँ से चढ़ के जाएगा, और कई बार इससे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब इस घर में रह रहे लोगों का आप कंडीशन सोचिएगा कि यहाँ पर मलेरिया डायरिया ये सब होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये आप देखिए छोटा सा ये और ये एरिया। I know some family here. Okay. Let us go and meet them. Okay. Can you come? Yes, okay. Okay. Masi, please. तरह से हम यार लोकल घरों में भी इंटर कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और what is this? Is post office? Oh no, this is an electric meter. Yes. So it's inside. Yes. Why it's locked? Someone will steal. Counter. Yes. तो ये रहा इनका मीटर का सिस्टम, आप देखिए ये लॉक किया गया है और मीटर अंदर चल रहा है और ऊपर भी मीटर लगा हुआ है। तो अपने यहाँ जैसे तार कट के नहीं आता, वायर ऊपर से ले, सो मोस्टली हियर वायर कनेक्शन इज फ्रॉम अपसाइड, राइट? इलेक्ट्रिक, सो इलेक्ट्रिक पोल, पोल टू वायर, वायर टू इनसाइड मीटर, इनसाइड मीटर टू द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सप्लाई। नाइस। तो ये एक आंगन है इस घर का, तो वी कैन फेच वाटर हियर, कैन वी डू दैट? वाओ, ओके, लाइक दिस, ओके okay, this is how you can take water. And this is a drinking water? No, we cannot drink. It's just for useful washing and washing, you daily yes, utensils wash. To ye hai inka yaar traditional, but yaar pani kafi zyada upar, aap sochiye maine apni puri life mein kisi bhi kuwe ka pani itna zyada upar abhi tak nahi dekha tha, India mein bhi socho, अफ्रीका में भी नहीं देखा था, और फर्स्ट टाइम जहाँ पे बोला जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा कम है वहाँ पे, कैमरून के इस याउंडे में आप देखिए ये कैन गो टू 19 किलोमीटर मीटर प्रोफंडर, माय गॉड 19 किलोमीटर डीप डाउन तक पानी का सोर्स इसमें दिखा रहा है, और कितना ऊपर पानी अभी देखिए। बाकी एक छोटा सा यागन है ये, आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा घर है, लकड़ी
ईंट और ऊपर से वुड और पत्रा जो होता है वो डाल के रखते हैं। थोड़ा सा गर्मी बढ़ रहा है यार। अब आप सोचोगे गर्मी अगर लग रही है तो भी मैं ये अपना जैकेट क्यों पहना हूँ, तो ये एक टिप्स आपको देना चाहूँगा, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब भी आप ट्रैवल करो। मैं जब से सेंट्रल अफ्रीका आया हूँ कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ अपने ऊपर कवर करके रखूँ, जिसमें अंदर से मैं मोबाइल कैमरा अंदर रख सकूँ। ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी की तरह मुझे काम आता है, ताकि लोगों का नज़र ना पड़े। इस वजह से मैंने पढ़ा हुआ, बट मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है ऑलरेडी। ये है केतली। अब आपको लग रहा हो ये चाय पीने के लिए काम आता है, तो ये चाय के लिए काम नहीं आता, इसको लेके लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, इसमें पानी भरते हैं और फिर इसी से शौचालय में यूज़ किया जाता है, यानी स्वच्छता के लिए। ओह, वी हैव टू गो लाइक दिस। अब यहाँ पे यही है एक अकलौता रास्ता गाइस जो आपको क्रॉस करना है, और धीरे धीरे ओ मामा लेट मी कम मामा टू कम या सो आई जस्ट वांट टू नो ब्रो, व्हाई देयर इज नो क्लीनिंग इन दिस एरिया? पीपल डोंट क्लीन व्हाई? दिस टू डेंजरस दिस यस टू ट्राई टू क्लीन इट सो इवन टू बट द बैड थिंग दैट दे आर डूइंग इज टू So this water comes in all the houses for I like toilet. So guys, आप condition देखो यार, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। आप सोचिए कितना ज़्यादा ये स्मेल कर रहा है यार, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे। और थोड़ा सा आपको ध्यान दे के यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, रास्ता भी नहीं क्योंकि। तो आप सोचिए कि बीमारी क्यों नहीं होगी अफ्रीका में यार? लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि अफ्रीका में डिजीज़ है, तो डिजीज़ ऐसे क्यों नहीं आएगा? आप सोचिए, बाजू में घर और यहीं पर लोग रह रहे हैं, आप खुद देखिए कितनी गंदगी, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं जो यहाँ पे आपको ना मिले। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा यार, फिर भी मैं सांस रोक रोक के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में कैमरून कंट्री कैसा है। आप देखिए डस्ट, यहाँ पे कोई क्लीन कोई हाइजीन नहीं। अब आसपास बाजू में लोग रहते हैं, खाना पीना रहना धोना सब कुछ उनका यहीं पर होना है। ओ दिस इज ऑल्सो कमिंग वाटर, ओके। तो यार देखते हैं ये क्या है, मैं बीता पापड़ जैसा कुछ होता ना वो है, टेस्ट तो कर लिया बट इस एरिया को देख के मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे कुछ भी खा पाऊँगा, क्योंकि भूख तो काफ़ी तेज़ लगी यार। केला खाया था सुबह आपने देखा, और तब से अभी तक मैं वॉक ही कर रहा हूँ। तो अब सोचिए यार, लाइफ स्टाइल कैसी होगी यहाँ पे इन लोगों के रहने की। तो एक तरफ जहाँ आपने देखा कि याउंडे और पूरा का पूरा कैमरून कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसी एक्सपेंसिव वाले एरिया के बाजू में ही आप जरा सा निकलोगे तो इस तरह का नेबरहुड मिलेगा जो कि कोई भी सर्विस नहीं है, वाटर की सुविधा नहीं है। फर्स्ट यू विल यूज फॉर वन मंथ, आफ्टर वन मंथ यू विल गेट अ बिल। यस, वी गेट अ बिल एंड देन यू पे। ओह, बट ये इन्होंने बताया कि यानी पोस्टपेड सिस्टम है, बट इन अदर कंट्री लाइक DRC, RC, गैबोन, अंगोला, इवन नामीबिया में जो लाइट है इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करो, प्रीपेड सिस्टम था। यहाँ पे पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि पोस्टपेड सिस्टम है। बाकी वाटर मोस्टली जो वॉल है कुआ, वहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं। और स्कूल सिस्टम मैंने आपको दिखाया, घर आप इनके देखिए मोस्टली ये शेड जो भी है उसको डाल के बना के यूज़ करते हैं। बाकी थोड़ा सा हिली एरिया है यार, पत्थर वगैरह है, रोड प्रॉपर है नहीं। आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग उन्होंने बनाया है लोकल टिपिकली। ये रहा गाइस बॉयल एग, किसी भी इस तरह के लोकल शॉप पे जाओगे, नॉन एक्सपेंसिव शॉप मैं आपको बोलूँगा, वहाँ पे एक बॉयल किया हुआ अंडा का प्राइस 100 फ्रैंक। दिस इज ब्रेड विद एग्स एंड व्हाट वी कॉल हियर सॉसेसन। Okay. It's a bread, egg, yes. And sauces. Yes, and sauces. And some mayonnaise. Yes, and some How much is the cost? The cost is 300, I mean. 200 franc. 300 franc. 300. Yes, 200 franc. 300 franc में lunch या breakfast या dinner, जो भी आपको करना है, इस तरह का bread और उसमें इस तरह की चीज़ें जो भी आपको चाहिए आप specific उनको समझाइए और आपको मिल जाएगा। Yes. Nice. Okay. It's tasty. Yeah. Okay. So mostly people love to have this kind of fast food because of you can't cook every time. Yes. So usually you love to have this while walking, while working, anyway. That's nice. So ये रहा इनका local drink फोलेरे, सबसे recommended और सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला local drink. Alcohol नहीं है, ये एक local energy drink आप इसको बोलते हो। ये है 100 franc का सिर्फ, और ये नया bottle नहीं है, पुराना bottle है।
ये लोकल लोग बनाते हैं और उसको इस तरह के बॉटल में रिफ़िल करके इस तरह की छोटे छोटे दुकानों में ला के दे देते हैं, फिर ये लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। वापस से ये बॉटल जब भाई साहब पी लेंगे इसको, ये वापस यहाँ पे आई थिंक दे देंगे और फिर से इस बॉटल को यूज़ किया जाता है। तो अफ्रीका में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, पॉलीथीन और इस तरह के बॉटल, इवन ड्रिंकिंग वाटर के जो बिस्लेरी वगैरह जैसे आप बोलते हो पीते हो, तो वो उस तरह के बॉटल भी काफ़ी रीयूज़ होते हैं। कई लोग उसमें शहद बेचते हैं, कई लोग ड्रिंक बेचते हैं, कई लोग चाय वगैरह बेचते हैं, जूस बेचते हैं। तो अगर आपको हाइजीन से रिलेटेड इशू नहीं है और आप माइंड नहीं करते हैं तो आप पीजिए, बट वो कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है यार, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट ये अफ्रीका है और यही इनकी लाइफस्टाइल है, और क्योंकि पैसे की दिक्कत, कहीं ना कहीं बजट इशू, तो ये कॉमन है। अब ये देखिए, ये जो है ये पाइप है पानी पीने वाला, वाटर सप्लाई घरों में किया गया है, बट वो भी बीच बीच में कई जगह टूटा फूटा मुझे दिखा। आप देखो नाली फिर से बहता हुआ यहाँ पे। और इस नेबरहुड को बोलते हैं यार ईसॉस। पहला जो हमने आपको दिखाया है उसके बाद ये सबसे मोस्ट डेंजरस नेबरहुड माना जाता है इस पूरे याउंडे में, इंटेंस प्लेस माना जाता है इस जगह का, यानी डेंजरस प्लेस की कैटेगरी में आता है। यहाँ भी लोकल लोग और आसपास में रहने वाले लोग अंदर कभी भी नहीं आते, मोस्टली रोड पे ही रहते हैं। रोड पे उनके साथ इतना कुछ हो जाता है कि अंदर आने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती यार। और दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे अपने को पता चला कि काफ़ी ढेर सारी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, उसमें स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, नसीली दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। या पीपल सेल्स वाइब्स अगर इस प्लेस का आप देखोगे तो थोड़ा सा बेटर मुझे लगा जो फर्स्ट प्लेस मैंने एक्सप्लोर किया। और ये एरिया मिक्स कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, लाइफ स्टाइल इनका अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग यहीं इस घरों में ही आसपास में कोई डोनट बेचता है, कोई कुछ ना कुछ खाना बना के बेचता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी तरीके से लोग यहाँ पे अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। ओह गॉड गाइस, बिलीव नहीं हो रहा मुझे, मैं यहाँ पे कैसे वॉक कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। हद से ज़्यादा यहाँ पे स्मेल आ रहा है। आपने आई थिंक वीडियोस में गाइस बुरुंडी देखा होगा, नाइजीरिया देखा होगा, अब आपको रियल कैमरून हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। आप सोचो आई थिंक ये बहुत ही कम लोग आपको दिखा पाएंगे। सबसे इंटेंस एक्सट्रीम लाइफ स्टाइल है इस कैमरून के याउंडे कैपिटल में। आप सोचो कि ऐसे भी लोग रहते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे यार वो सर्वाइव कर पा रहे इस जगह पे। मैं एक सेकंड भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये यहाँ रोड नहीं है तो बाइक वगैरह जिसकी होती है वो यहीं पे पार्क करता है और फिर आगे जाता है। बारिश के टाइम पे ये पूरा फ्लड हो जाता है गाइस। अब आप सोचो पानी अंदर घरों में चला जाता है। लोग, एक दो लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि फ्लड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। अभी जैसे झील ने बताया कि एक बच्चा अभी रिसेंट में यहाँ पे गिर गया और वो मर गया। तो लाइफ यहाँ की यार अनबिलीवेबल है गाइस। देखिए यहीं पे ये कुछ उसी पार्ट का दूसरा एरिया आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा फेंसिंग वगैरह है, ऊपर के एरिया पे थोड़े से कुछ अच्छे मकान आपको दिखेंगे, बट नीचे वाले सेक्शन में जितना भी आप देखोगे सब वैसा ही है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे यार मोस्टली ट्रांसपोर्ट का भी इशू है, मतलब इन सब एरिया से जिसको रोड पे जाना हो काफ़ी वॉक करके जाना पड़ता है, या तो बाइक जिसके पास है वो, क्योंकि अंदर वाले एरिया में किसी के पास भी कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट यानी कार वगैरह तो है नहीं यार, क्योंकि वो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, बट मोस्टली ये लोग वॉक करते हैं। एंड हाउ दे लाइक द पीपल हु सेवर आर स्टेइंग हियर, हाउ मोस्टली दे बाय फूड्स एंड थिंग्स फ्रॉम इन दिस एरिया और दे गो समवेयर आउटसाइड टू बाय फूड्स वेजिटेबल्स। मार्केट प्लेस ओके। ब्रिज है इनका, यही एक रास्ता भी है, यहीं से आना जाना सब कुछ इनको करना है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं। आप देखो बाकी वेस्ट जितना भी पड़ा हुआ है सब लाके यहीं पे डंप किया जाता है गाइस। कैमरून में अगर आप ओवरऑल रेशियो देखोगे तो HIV, डायरिया, मलेरिया, अभी रिसेंट में मैंने खुद कल ही अपना मलेरिया का टेस्ट कराया गाइस। और एक चीज़ आपको अपडेट ये देनी थी कि मेरा मलेरिया का जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव आया है, तो बाई गॉड ग्रेस कि मैं सेफ हूँ। बट इन सब के अलावा अभी भी मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, तो उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब घर है, केला वगैरह लगा हुआ है, बट इनको जब आना जाना होता है तो यही एक एक्सेस है।
बाइक ओ बाइक गोइंग फास्ट फास्ट बंजू बंजू स्पोर्ट्स में पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई गेम है वो है फुटबॉल. उसमें कैमरून कंट्री भी आता है और इस ईसॉस एरिया जहाँ पे मैं भी आपको घुमा रहा हूँ उसका ये मिनी फुटबॉल स्टेडियम है. आप देखिए क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो आपको कोई बड़ा डेवलपमेंट ग्रास ये सब कुछ दिखेगा नहीं. अब ये बच्चे अपने से ही थोड़ा बहुत इस एरिया को काट पीट के यार इसको मरम्मत करके खेलने लायक बनाते हैं. एरिया जो आप देख रहे हो गाइस ये है इसी ईसॉस एरिया का मार्केट एरिया. काफ़ी इंटेंस है ये भी. अंदर मार्केट में अगर आप जाओगे मैं नहीं गया यार इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे और एक दो लोग तो पास में आके कैमरा फ़ोन ये सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इसलिए जेल ने भी बोला कि अंस अवॉइड करो अंदर जाना क्योंकि ये भी थोड़ा सा डेंजरस एरिया है तो बेटर है कि आप सेफली ट्रैवल करो. अब ये देखिए घरों की कंडीशन यहाँ पर. अब ये छोटा सा घर है उसी के ऊपर नंबर भी देखिए अलग अलग एरिया का नंबर डाला गया है यहाँ पर और सामने भी देखो लोग वहीं बैठ के नाले के पास बंदा बैठ के खाना खा रहा है यार और कोई ऑप्शन है नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे. तो लिविंग स्टाइल जो यहाँ की है ना यार देख के अफ्रीका में जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कई बार यार ये सारी चीज़ें मैं कभी भी कोशिश करता था कि आपको ना दिखाऊँ क्योंकि यार ऑलरेडी लोगों ने अफ्रीका को निगेटिव ही दिखाया है. हम जैसे ट्रैवलर भी जाके सिर्फ अगर आपको स्लम दिखाएँ इंटेंस प्लेसेस में बोल के और आपको सिर्फ गंदगी दिखाएँ और पॉजिटिव चीज़ें उस सिटी उस कंट्री की अगर आपसे अछूती रहेंगी तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग कैटेगरी में नहीं आता है. तो दोनों चीज़ें गाइज आपको देखनी चाहिए वो शहर उसका पॉजिटिव साइड जैसे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज फैसिलिटी उस कंट्री में वहाँ के लोकल लोगों के लिए कितना है और वहीं पर उसका जो दूसरा एस्पेक्ट निगेटिव साइड ऑफ कंट्री सिटी जहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बीमारियां हैं लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फैसिलिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है और अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब नहीं है बिजनेस नहीं है. इस वजह से लोग क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ड्रग्स लेना स्मगलिंग करना किडनैपिंग करना रॉबरी ये सारी चीज़ें इस कैमरून में कॉमन है. ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था अगर मैं जेल के साथ नहीं होता. सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू ब्रो टू टेकिंग मी ऑल दिस मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ याउंडे एंड इन कैमरून जहाँ पे लोकल लोग भी जाने से डरते हैं बट आई थिंक झील की वजह से मैं पूरा एक्सप्लोर कर पाया हूँ. थैंक यू सो मच ब्रो. झील है म्यूजिशियन बाई प्रोफेशन एंड ये प्ले वगैरह करते हैं और इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट हिम गाइस मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा. कोई भी याउंडे आता है सेफली अगर जिसको ट्रैवल करना है आई थिंक ही इज़ द राइट गाय हु विल टेक यू एंटायर याउंडे. प्लीज़ डू कनेक्ट हिम एंड सपोर्ट हिम एज मच एज यू कैन. थैंक्स.